भूतिया रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने पहली वीडियो में देखा कि मोटू पतलू अपने मामा के यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन भूतिया रेलवे स्टेशन पर उनका सामना एक भयंकर चुड़ैल से हो जाता है, जो कि मोटू पतलू को खाने की डराने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन मोटू पतलू जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बताते कि भूतिया रेलवे स्टेशन का पूरे इलाके में, पूरे गांव में इतना डर था कि वहां पर कोई भी जाने से डरता था। यहां तक कि जो भी रेलवे स्टेशन मास्टर वहां पर पहुंचता था वे एक दो दिन ही वहां पर रुक पाता था, क्योंकि चुड़ैल वहां से उसको डरा धमका कर भगा देती थी। जो नहीं डरता था उसे वह मार डालती थी। भूतिया रेलवे स्टेशन पर उस चुड़ैल का इतना डर था कि कोई भी रेलवे स्टेशन मास्टर या कोई भी कर्मचारी उस भूतिया रेलवे स्टेशन पर काम करने को तैयार नहीं थे। लेकिन इन सब बातों से अनजान एक नया स्टेशन मास्टर भूतिया रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी देने के लिए आता है, लेकिन वह चुड़ैल का असली रूप देखकर वहां से डर भागकर गांव में आकर पुलिस के सामने शिकायत करता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं उस भूतिया रेलवे स्टेशन पर अब ड्यूटी नहीं दे सकता, क्योंकि वहां पर एक चुड़ैल रहती है जो कभी रेल के ऊपर को दौड़ती है तो कभी कारों के आगे पीछे घूमती है और आने जाने वालों को नुकसान पहुंचाती है। आप कुछ करो वरना मैं ड्यूटी छोड़ दूंगा। मास्टर जी, ये आपका बहम है, भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। आपने जरूर कुछ गलत सपना देखा है जिसके कारण आप ऐसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो। हमारे रहते हुए इस इलाके में भूत तो क्या भूतनी का बच्चा भी पर नहीं मार सकता। इसलिए मास्टर जी आप बेफिक्र होकर अपनी ड्यूटी कीजिए, कोई भूत भूत नहीं है, जाइए आप। स्टेशन मास्टर इंस्पेक्टर के पास इसलिए आया था ताकि वह उसकी मदद कर सके, लेकिन इंस्पेक्टर भूत प्रेत को नहीं मानता है। इसलिए स्टेशन मास्टर को वहाँ से अपनी तरफ से बहुत सारी बातें बोलकर वहाँ से टहला देता है और साथ में चेतावनी देता है कि आप ऐसी अफवाह गांव में मत फैलाइए, अंधविश्वास मत फैलाइए। वहीं पतलू अपनी मम्मी पापा से अपने नाना के यहाँ घूमने के लिए, होली खेलने के लिए जाने की इजाजत मांगता है। मम्मी पापा, मुझे नाना के यहाँ होली खेलने जाना है, आप मुझे वहाँ जाने की इजाजत दे दो। हम भूतिया रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ कर अपने नाना के यहाँ पहुँचने वाले हैं, मेरे साथ पतलू भी होगा। क्या भूतिया रेलवे स्टेशन? अरे शेर जी, आपने सुना, ये बच्चा भूतिया रेलवे स्टेशन से जाने की बात कर रहा है। इसे ये नहीं पता वहाँ पर भूतनी रहती है जो इसे कच्चा चबा जाएगी। शेर जी, ये हमारी तो कोई बात मानता नहीं, सुनता नहीं, आप ही इसे समझाओ, इसे जाने से मना कीजिए। देखो मोटू बेटा, आप भूतिया रेलवे स्टेशन से मत जाइए, वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है जो कि आपको मार सकती है। मोटू अपने गांव वालों की, अपने मम्मी पापा की, सेठ की कोई भी बात नहीं मानता है, इसलिए पतलू को लेकर भूतिया रेलवे स्टेशन की तरफ चल देता है। फिर उसी रात स्टेशन मास्टर की वहां पर ड्यूटी होती है, जहां पर वह एक भूतनी को देखता है और फिर वह देखकर हैरान हो जाता है। भूतनी का रूप बड़ा हो जाता है तो वह घबरा जाता है, कांपने लगता है। जब भूतनी चिल्लाती है तो वो और भी ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वे वो बेहोश होकर नीचे प्लेटफॉर्म पर ही गिर जाता है। भूतनी रेल को रोकने की कोशिश करती है लेकिन रेल नहीं रुकती है। मोटू सुबह उठता है तो भूतनी फिर से नजर आती है। रात की सारी घटना को बताने के लिए वह एक तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। बाबा मुझे बचा लो बाबा, वह भूतनी मुझको मार डालेगी, मेरे घर में मेरे सिवा कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बाबा बचा लो। स्टेशन मास्टर जी आप मत डरो, मेरे रहते हुए इस इलाके में भूतनी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मैं तुमको एक तबीज दूंगा, आप हमेशा उसको अपने साथ रखना, जब तक यह तबीज आपके साथ रहेगा भूतनी चुड़ैल वगैरह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तांत्रिक स्टेशन मास्टर को एक तबीज देता है जिससे कि उसकी सुरक्षा हो सके। दूसरी तरफ मोटू पतलू जैसे ही भूतिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनको तीन मुंह वाली भयंकर चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर वे हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे चुड़ैल हमारा रास्ता छोड़ दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, होली है, देखो हम पिचकारी खरीद कर लाए हैं, अपने नाना के यहाँ होली खेलने जा रहे हैं, अगर तुम्हें भी होली खेलनी है तो हमारे साथ खेल सकती हो, लेकिन हमारा रास्ता छोड़ दो। हाँ या तो हमारा रास्ता छोड़ दो वरना मैं तुम्हें चाकू से काट काट के तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये मत समझना कि हम चुड़ैल भूत प्रेत से डरते हैं, तुम्हारा ये मजान हमको धमकी देते हो, अब देखो मैं तुम्हारे साथ।
इतना बोलते ही भूतनी उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन मोटू पतलू भी हिम्मत वाले होते हैं, उनसे नहीं डरते हैं और जैसे तैसे चुड़ैल को चकमा देकर वहाँ से निकल आते हैं, लेकिन चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे होती है। मोटू पतलू चुड़ैल से अपनी जान बचाकर जा ही रहे थे कि अचानक से उनका सामना तांत्रिक से हो जाता है। तांत्रिक बाबा हमको बचा लो, हमारे पीछे चुड़ैल पड़ी है, उससे हमारी जान बचाओ। क्या तुम्हारे पीछे चुड़ैल पड़ी है? कहाँ है वो? मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भस्म कर दूंगा। तांत्रिक बाबा मोटू पतलू को छुपा देता है और चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगता है। हे चुड़ैल ठहरो, तुम कहाँ पर जा रही हो? तुम उन बच्चों के पीछे क्यों पड़ी हो? हिम्मत है तो हमसे टकराओ, अब इस गांव में तुम्हारा आतंक हो नहीं चलेगा, समझी तुम? अरे वो तांत्रिक, भला इसी में है कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना इस चाकू से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। चुड़ैल की इन बातों का तांत्रिक को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह मंत्र मार कर उस चुड़ैल को वहीं पर भस्म कर देता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।